फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम आपका पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें चैप्टर आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, मोर अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, इससे जो पहला चैप्टर था बच्चों जो हम पढ़ रहे थे इनफाइनाइट सीरीज, उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 4 तक करा दिया एंड उसके बाद में एक्सरसाइज 5, 6 एंड 7, 8 वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आती भी नहीं है। ठीक है, जब हम अनसॉल्व करेंगे अगर उस टाइप का एक दिया एक या दो क्वेश्चन मिल जाएगा तो मैं आपको वहीं के वहीं डायरेक्टली उनको बता दूंगी। बाकी उसमें एक रैबिज टेस्ट है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से आप देख लेना। उसका सिर्फ आपको स्टेटमेंट लर्न रखना है और उसमें आपको चैप्टर में उससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं आपका एंड टाइम बहुत कम है। अगर हमारा टाइम बचता है तो हम क्या करेंगे उसके बाद में उस टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम अपने उन टॉपिक्स को कवर करेंगे यहाँ पे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर था उसमें आपका सीक्वेंस था एंड इनफाइनाइट सीरीज 2 चैप्टर्स थे। सीक्वेंस मैंने आपको अच्छे से करा दिया एंड सेकंड था आपका इनफाइनाइट सीरीज, उसमें भी मैंने आपको एक्सरसाइज 4 तक अच्छे से करा दिया सब कुछ। जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वहीं से पूछे जाएंगे, या तो कंपैरिजन टेस्ट से, कॉची रोड टेस्ट से, या फिर आपका डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से। ठीक है बच्चों, तो वो आपको अच्छे से करनी है तीनों चारों एक्सरसाइजेस एंड उसके बाद के क्वेश्चंस से या फिर एक्सरसाइजेस जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती। ठीक है बच्चों, तो वो आपको नहीं करनी है, अदरवाइज आप करना चाहो तो कर सकते हो, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपका एग्ज़ाम मतलब टाइम बच जाता है, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है एंड उसके बाद में अगर टाइम बचता है तो मैं आपको एक बार वो ज़रूर बता दूंगी कि कभी एग्ज़ाम में आ जाए। हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, एक दिन क्या करेंगे हम कि जितने भी जो भी टॉपिक्स मैं आपको छुड़वाऊंगी या फिर एक्सरसाइज वगैरह की एग्ज़ाम में नहीं आते, तो जो हमारा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपके कुछ मैराथन्स ले लेके, यानी कि 2-3 घंटे की जो भी हुआ करेंगी, उसमें मैं आपके वे टॉपिक सभी क्लियर करा दूंगी, कवर करा दूंगी। ठीक है, छूटेगा यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं, इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि अगर वो टॉपिक्स मैम एग्जाम में आ गए तो हम क्या करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको हर एक टॉपिक क्लियर कराऊंगी, बट सबसे पहले हम जो प्रेफरेंस देंगे वो उन टॉपिक्स को देंगे बच्चों जो आपके एग्जाम में ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एंड जो उसके बाद में यूनिट सेकेंड है उसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं, वो भी आपके एग्जाम में क्या होते हैं बच्चों, आते हैं बहुत कम कम मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें भी हम बाद में करेंगे। अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम आपकी यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका एक चैप्टर था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो हमने सबसे पहले कराया है एंड उसके बाद में जो आपका उससे फर्स्ट चैप्टर है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से पहला जो चैप्टर है वो है आपका डिफरेंशिएशन, उस चैप्टर में आपका कुछ भी नहीं है। एंड जो उससे पहला चैप्टर है यूनिट 3 में वो है आपका मोर अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी एंड दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, जिनमें से एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रोलेस थ्योरम, ये भी क्या है बच्चों, आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं आपका बता दूं ये आपके किस किस सन में आया है, 2007 में 2 टाइम्स आया है, 8 में आया है, 12 में आया है, फिर मेरठ में आया है 12 में, 14 में, 18 में, 13 में, 14 में, 19 में, फिर 12, 13, 14, 8, 11, 14, 16, 18 एंड 18 एंड ये आपका लखनऊ, पूर्वांचल, कानपुर, मेरठ, काशी, गोरखपुर, अवध, रोहिलखंड, इलाहाबाद एंड बुंदेलखंड, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, कई बार आ चुका है क्वेश्चंस, तो ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो बीएससी में तो ये वैसे भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पहले मैं यहाँ पे बच्चों वो टॉपिक्स कवर कराना चाहती हूँ। आप सोचोगे कि मैम ज़्यादा लंबा लेक्चर दे रही है, बट बच्चों लेक्चर कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मैम सिलेबस कवर होगा नहीं होगा कैसे होगा, उसकी गारंटी हमारी है। आप बस अपना बेफिक्र होगे, जो मैं आपसे बोल रही हूँ पढ़ने के लिए वो पढ़िए। ठीक है, उसके बाद में जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैम ने क्या कराया है, हमारे एग्ज़ाम में क्या आया है। ठीक है, तब आपको खुद ही खुद पता चल जाएगा, मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ से हम गुजरे हुए हैं हमें पता है बच्चों। जब हमने पढ़ा था तो हम भी यही सोचते थे कि पता नहीं टीचर्स यही करा रहे हैं, अगर हमारे एग्ज़ाम में ये आ गया तो हम क्या करेंगे, टीचर्स तो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, बट हैं तो इस चैप्टर में कई सारी चीज़ें तो हम इनको कैसे कवर करेंगे। लेकिन जिस टाइम पर हमने एग्ज़ाम दिया था ना, उस टाइम पर मैं आपको बता भी नहीं सकती कि हमें ये लग रहा था कि हाँ अगर हम टीचर्स के कहे पर चलते
और सिर्फ वो चीज़ें पढ़ लेते तो आज हमारा काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता। सो बीएससी में जो आपका पैटर्न है वो बहुत इजी है, बट जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं तो हम इस चीज़ के लिए कंफ्यूज होते हैं कि यार हम बीएससी में आए हैं, हम ग्रेजुएशन में आए हैं, पता नहीं कैसे कवर होगा कैसे नहीं। और इस चक्कर में हम क्या कर जाते हैं बच्चों, इधर उधर घूमते फिरते रह जाते हैं, कभी इस टीचर से कभी इस टीचर से कभी इस टीचर से, और उस चक्कर में कोई कुछ बताता है कोई कुछ और कोई कुछ, और आपका क्या होता है बैलेंस नहीं रहता स्टडी में, ठीक है। तो इसलिए आप कहीं भी पढ़िए, एक ही जगह से पढ़िए, हाँ टॉपिक्स अलग अलग हैं, उनको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कहीं पे भी कवर कर सकते हो, उस चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी आप इस चीज़ से बेचिंत रहिए कि मतलब मैम ये करा रही हूँ ये छोड़ रही है तो हम कैसे करेंगे, तो हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे एग्ज़ाम से पहले जो आपका टाइम बचेगा उसमें क्या करूँगी मैं सारी, अगर नहीं भी बचेगा तो आप उसकी गारंटी बच्चों हमारी है, ठीक है। चाहे मुझे एक दिन में आपकी 3 क्लास डालनी पड़े या फिर 1 क्लास 3 घंटे की डालनी पड़े, वो मेरी जिम्मेदारी है, उसमें आपका कोई भी वो नहीं, बस आपको वो चीज़ पढ़नी है एंड हम सभी चीज़ आपकी कवर करा के चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको आज रोलेस थ्योरम कराऊँगी। तो देखो बच्चों, ये जो आपकी रोलेस थ्योरम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी वे में मैं आपको कराऊंगी, थोड़ा ध्यान से समझना। तो देखिए, हमने माना लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन, लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन, यानी कि मान लिया एफ एक्स क्या है आपका कोई भी एक फंक्शन है सच दैट, तब यहाँ पे क्या होती है बच्चों, रोलेस की थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो आपका 3 कंडीशंस में होता है। फर्स्ट क्या होता है आपका कि जो आपका एफ एक्स है वो आपका कंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यानी कि एफ एक्स क्या होगा आपका कंटिन्यूअस होगा किसमें, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, अभी आपको बताऊंगी क्या होते हैं ये। एंड सेकंड कंडीशन होती है कि एफ एक्स इज डिफ्रेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है बच्चों। एंड आपकी जो थर्ड कंडीशन होती है वो होती है कि अगर आपका फंक्शन ऑफ ए किसके इक्वल आ जाए बच्चों, फंक्शन ऑफ बी के इक्वल आ जाए, ठीक है। यहाँ पे एफ डैश था, सॉरी गलती से लिखा गया वो एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या है थर्ड कंडीशन आपकी, एफ ए किसके इक्वल हो आपका एफ बी के इक्वल हो, देन देयर एग्जिस्ट, ये साइन होता है बच्चों देयर एग्जिस्ट का, किसका, अगर आप उल्टा ई बना दोगे ना तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, देयर एग्जिस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या लिखेंगे, देन देयर एग्जिस्ट, अभी बताऊंगी क्या लिखा रही हूं मैं आपको, एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स से सी वेयर A is less than C or less than C is less than B such that F dash C is equals to 0। देखो बच्चों अब यहाँ पे समझो, ये 3 conditions मैंने आपके सामने क्या लिख दी हैं। इन्होंने कहा है लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन, हमने क्या मान लिया बच्चों कि एफ एक्स क्या आपका कोई भी एक फंक्शन है सच दैट, तब यहाँ पे आपकी क्या होंगी रोलेस की थ्योरम के अकॉर्डिंग 3 conditions सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, किसको, एफ एक्स को, जो आपका फंक्शन गिवन है। फर्स्ट क्या है कि जो आपका एफ एक्स होगा वो कंटिन्यूअस होगा किसमें, इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। देखो बच्चों अगर आपका ये बड़ा बन रहा है, बड़ा ब्रैकेट बन रहा है दोनों साइड से, ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लोज्ड इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल होता क्या है, तो देखिए अभी तक आपने टर्म्स नहीं पढ़ी है, तो देखिए क्या होता है आपका, यानी कि एक ऐसा इंटरवल, एक ऐसा सेट जिसमें आपके दोनों एलिमेंट ए एंड बी भी एग्जिस्ट कर रहे हो और इनके बीच के सभी एलिमेंट्स क्या कर रहे हो, एग्जिस्ट कर रहे हो, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है आपका, क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी आपकी, ए बी एंड इनके बीच की सभी वैल्यूज होंगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए, तो इन्होंने क्या कह दिया फर्स्ट में आपका कि एफ एक्स क्या होगा कंटिन्यूअस होगा किसमें, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। सेकंड क्या है कंडीशन कि एफ डैश एक्स, यानी कि एफ एक्स का डेरिवेटिव, डैश ले लिया, डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव को, तो क्या आ जाएगा कि एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि एफ डैश एक्स कैसा होगा आपका, डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, इसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है इन ओपन इंटरवल ए बी। अगर आपका ये वाला ब्रैकेट उल्टा लगा दो तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। एंड इसका मीनिंग क्या होता है कि इस इंटरवल में आपके क्या होंगे, सेट में ए और बी को छोड़कर
ए और बी को छोड़कर इनके बीच के सभी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इसको और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपका छोटा ब्रैकेट होता ये वाला, इससे भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ओपन इंटरवल को, ठीक है बच्चों। तो यानी कि दो कंडीशंस क्या हो गई, पहली हो गई कि एफ एक्स क्या हो, कंटिन्यूअस हो इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एंड एफ डैश एक्स कैसा हो, डिफरेंशिएबल हो इन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। उसके बाद में थर्ड कंडीशन क्या है कि एफ ए किसके इक्वल हो, एफ बी, एफ ए किसके इक्वल हो, एफ बी, यानी कि फंक्शन ऑफ ए किसके इक्वल हो, फंक्शन ऑफ बी के, देन देयर एग्जिस्ट, तब यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स, तब यहाँ पे x की कम से कम एक वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करेगी, मान लिया, जो क्या मान ली हमने, c मान ली, ठीक है। यानी कि अगर आपका फंक्शन ऑफ a किसके इक्वल होगा, फंक्शन ऑफ b के इक्वल होगा, तब यहाँ पे एक वैल्यू x की एक वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करेगी, मान लिया वो c है, जहाँ पे जो आपका c होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका a से तो बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा, ठीक है। यानी कि इसको इजी वे में समझो, क्या कहा इन्होंने कि मान लिया c क्या है आपका, कोई भी एक वैल्यू है किसकी, x की, कब, जब आपका फंक्शन ऑफ a फंक्शन ऑफ b के इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये जो c है ये आपका a से तो बड़ा है लेकिन b से छोटा है, इसका मतलब आप जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, c का डिफ्रेंशिएशन करोगे, वो कितना आए, जीरो आए, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या कह दिया कि अगर आपका फंक्शन ऑफ a किसके इक्वल हो, फंक्शन ऑफ b के इक्वल हो, तब वहां पे x की कम से कम एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो कैसी हो, आपकी कॉन्स्टेंट हो या फिर जीरो के इक्वल आए, ठीक है। एक वैल्यू कैसी आनी चाहिए, जो आपकी कॉन्स्टेंट हो, एंड जब कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करोगे आप, तो यहाँ पे c क्या लिया था, कॉन्स्टेंट टर्म थी आपकी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, जीरो, क्योंकि आपको पता है कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, जीरो होता है। सो अगर आपको रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट पूछे ओनली, यानी कि स्टेट द रोलेस थ्योरम, तो आपको इतना स्टेटमेंट उसका लिखना है, एंड अगर आपसे प्रूफ कराने के लिए बोले तो जो हम आगे कराएंगे वो आपको प्रूफ में करना है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया, थ्री कंडीशंस हो गई। मान लिया एफ एक्स क्या आपका कोई भी फंक्शन है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा इन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ एक्स डिफ्रेंशिएबल होगा इन ओपन इंटरवल ए बी, एंड थर्ड कंडीशन क्या है कि एफ ए अगर एफ बी के इक्वल है, तो वहाँ पे एक्स की एक वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करनी चाहिए जो कि कैसी हो, आपकी कॉन्स्टेंट हो, और वो क्या होनी चाहिए आपकी, ए से बड़ी लेकिन बी से छोटी, सच दैट, जिससे कि आपका एफ डैश सी किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया, इसको नोट कीजिए, उसके बाद में इसका प्रूफ करेंगे। तो देखो बच्चों, अब हम इसका प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सिंस एफ इज कंटिन्यूअस, एफ क्या है, कंटिन्यूअस है इन किसमें, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। हमने क्या लिया था कि एफ क्या है आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है किसमें, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। इट इज सो, इट इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। यानी कि बच्चों, अगर आपका कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है किसमें, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, तो वो फंक्शन कैसा होगा आपका, बाउंडेड होगा किसमें, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। यानी कंटिन्यूअस है तो वो आपका बाउंडेड भी होगा। तो लेट करेंगे, माना कि जो आपका एम है, ये कैपिटल एम मान लिया हमने, सुप्रीमम ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एंड स्मॉल एम मान लिया हमने इन्फिमम ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है बच्चों। अब देखो ये सुप्रीमम और इन्फिमम होते क्या है। तो देखिए बच्चों, पहले आपका एक चैप्टर होता था, उसमें ये आपकी दोनों टर्म्स होती थी, रियल नंबर सिस्टम, जो आई थिंक इस बुक का आपका सबसे लास्ट चैप्टर है, उसमें आपकी ये सभी टर्म्स जो है अच्छे से डिफाइन की हुई हैं। तो वहाँ पे जाके आपको पता चलेगा कि सुप्रीमम एंड इन्फिमम अच्छे से समझ जाओगे वहाँ पे। बट यहाँ पे मैं आपको आपके आईडी के लिए बता दूँ, क्योंकि आप सोचोगे क्या होते हैं। तो देखो, जो आपका क्लोज इंटरवल ए बी है, ठीक है, यानी कि आपको कोई भी एक सेट दे दिया, तो उसमें क्या हो गया आपका सुप्रीमम ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। सुप्रीमम होता है जो उसका सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, ठीक है। यानी कि मान लो आपको क्या दे दिया कि 1 2 3 4 5 6, ये आपको एक सेट दे दिया, यानी कि क्या दे दिया आपको, एक क्लोज इंटरवल दे दिया। तो इसमें आपका सुप्रीमम क्या हुआ, सुप्रीमम होती है सबसे जो बड़ी वैल्यू होती है, एंड सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसमें, 6 है। तो इसका सुप्रीमम कितना आ गया, 6 आ गया। एंड अगर इसके इन्फिमम की बात करें, तो इन्फिमम होती है आपकी सबसे
छोटी वैल्यू, यानी कि इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें? वन है। तो इसका मतलब इस सेट का आपका सुप्रीमम कितना है? सिक्स है। एंड इन्फिमम कितना है आपका? वन है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हमने लेट कर लिया ये इसमें, तो हमें पता नहीं है कि आपका सुप्रीमम क्या होगा, इन्फिमम क्या होगा। तो हमने मान लिया कि एम क्या है? सुप्रीमम है। एंड स्मॉल एम क्या है आपका? इन्फिमम है। ठीक है, क्या लिखा हमने? सिंस एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, सो इट इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर ये बाउंडेड होगा तो इसमें क्या होंगे? सुप्रीमम भी होंगे और इन्फिमम भी होंगे। तो हमने मान लिया कैपिटल एम क्या है? सुप्रीमम है। एंड स्मॉल एम क्या है आपका? इन्फिमम है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हमको कॉन्स्टेंट भी मानने पड़ेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? लेट सी वन एंड सी टू आर टू पॉइंट्स। हमने क्या मान लिया बच्चों कि यहाँ पे टू पॉइंट्स हैं, कौन कौन से? सी वन एंड सी टू, सच दैट जो एफ ऑफ सी वन है वो तो हमने मान लिया कितना बच्चों? स्मॉल एम, यानी कि मिनिमा। एंड जो एफ ऑफ सी टू है, फंक्शन ऑफ सी टू है, वो क्या मान लिया हमने? कैपिटल एम, यानी कि मैक्सिमा। सुप्रीमम है तो मैक्सिमम होगा, तो इसके लिए क्या लिख लिया? मैक्सिमा। एंड इन्फिमम है यानी कम है, तो इसके लिए क्या लिख लिया हमने? मिनिमा। तो हमने क्या मान लिया कि सी वन एंड सी टू क्या है आपके? टू पॉइंट्स हैं, जिनके लिए एफ ऑफ सी वन कितना है? एम है, स्मॉल एम, यानी कि मिनिमा है। एंड फंक्शन ऑफ सी टू क्या है आपका? कैपिटल एम, यानी कि मैक्सिमा है। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कीजिए, उसके बाद में ऊपर से रफ कर रही हूँ। तो देखो बच्चों, उसके बाद में क्या हुआ? यहाँ पे स्मॉल एम क्या आ गया? मिनिमा। एंड कैपिटल एम मैक्सिमा। तो यहाँ पे क्या होगी आपकी? टू कंडीशंस अराइज होंगी। क्या? कि एक बार तो जब आपका मिनिमा किसके इक्वल हो? मैक्सिमा के इक्वल हो। एंड एक बार जब इक्वल ना हो। तो लिखेंगे हियर टू कंडीशंस अराइजेस। फर्स्ट, कि आपका जो कैपिटल एम हो वो इक्वल हो किसके? स्मॉल एम के। एंड सेकंड, क्या? कि अगर आपका कैपिटल एम जो हो वो इक्वल ना हो किसके? स्मॉल एम के। ठीक है, सो सबसे पहले किसको लेके चलेंगे? फर्स्ट के लिए लेके चलते हैं कि एम इज इक्वल्स टू एम। इसको क्या मान लेंगे? केस। हमने लिख लिया केस फर्स्ट के लिए। एम किसके इक्वल ले लिया हमने? स्मॉल एम के इक्वल ले लिया। तो एम जब हमने स्मॉल एम के इक्वल ले लिया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इफ मैक्सिमा, एंड ये मैक्सिमा है एंड ये मिनिमा है, तो यहां से क्या लिख देंगे? इफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन, इफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन आर इक्वल, देन, कि यदि अगर हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या हो किसी फंक्शन का? मैक्सिमा एंड मिनिमा इक्वल हो, तब। आगे सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, रफ कर रही हूँ। तो देखो बच्चों, क्या टर्म ले ली हमने? कि अगर आपका मैक्सिमा और मिनिमा किसी भी फंक्शन का इक्वल हो, तब यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन बनेंगी? कि एफ एक्स जो है वो आपका कॉन्स्टेंट फंक्शन है, या तो एफ एक्स इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, या फिर सेकेंड कंडीशन क्या बनेगी? कि जो अगर आपका जो एफ एक्स है वो कॉन्स्टेंट फंक्शन है, या फिर उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है? जीरो। क्योंकि हमको पता है कि कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होता है? जीरो होता है। तो यहाँ से क्या कंडीशन आ गई? कि अगर आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या है? इक्वल है, तो या तो एफ एक्स किसका क्या है आपका? एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, या फिर एफ डैस एक्स किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। तो देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या कंडीशन एग्जिस्ट करेगी? कि जो सी है वो किसको बिलोंग कर रहा है आपका? ओपन इंटरवल ए बी को बिलोंग करता है। सो सच दैट एफ डैश सी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? जीरो के इक्वल आ जाएगा। कैसे आया? यहां से देखिए एक बार और समझिए कि अगर हमने एक कंडीशन फर्स्ट केस ले लिया, क्या? कि एम इज इक्वल टू स्मॉल एम, यानी कि अगर आपका मैक्सिमा जो है वो मिनिमा के इक्वल है, तो अब क्या होगा आपका? या तो जो आपका फंक्शन है वो एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ठीक है? एंड अगर वो कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव भी क्या है? जीरो है। यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है? जीरो है। जहां पे सी किसको बिलोंग करता है आपका? ए बी को, यानी कि ओपन इंटरवल ए बी को बिलोंग करता है। तो इसलिए यहाँ से एफ डैश सी किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स क्या था आपका? ओपन इंटरवल था, ठीक है, किसके लिए? कॉन्स्टेंट फंक्शन के लिए।
क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा किसमें, ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है। सो यहाँ पे एक्स क्या आपका ओपन इंटरवल, और अगर सी किसको बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल को बिलोंग करता है। सो अब आपको ये लास्ट वाली लाइन दिख गई होगी, ठीक है। यहाँ पे सी किसको बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल ए बी को, सच दैट जो आपका डिफरेंशिएशन होगा किसका, सी का, तो वो कितना आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा, क्योंकि सी क्या है आपका एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल प्रूफ, किसके लिए प्रूफ कर दिया हमने कि अगर मैक्सिमा और मिनिमा इक्वल हो तब आपकी तीनों कंडीशन आ गई, क्या कि एफ एक्स क्या है कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो कॉन्स्टेंट है ये कंटिन्यूस भी होगा, एंड ये डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है किसमें, ओपन इंटरवल ए बी में। और अगर ये डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, जहाँ पे सी किसको बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी को, सच दैट तब आपका एफ डैश सी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब किसके लिए प्रूफ करेंगे हम, अगर आपका जो मैक्सिमा है वो मिनिमा के इक्वल ना हो, यानी कि केस सेकंड के लिए प्रूफ करेंगे, इसको नोट कीजिए। तो देखो बच्चों, अब हम केस सेकंड लेंगे, क्या था आपका कि अगर m क्या हो, डज नॉट इक्वल्स टू m हो, यानी कि आपका मैक्सिमा मिनिमा के इक्वल ना हो, तब वी नो, हम क्या जानते हैं बच्चों कि जो आपका फंक्शन ऑफ ए है वो किसके इक्वल होता है, फंक्शन ऑफ बी के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दे दी कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या हो, इक्वल ही ना हो, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी, देन आइदर एम और कैपिटल एम नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एंड फंक्शन ऑफ बी, यानी कि अगर हमें पता है क्या कि फंक्शन ऑफ ए किसके इक्वल होता है, फंक्शन ऑफ बी के, लेकिन केस हम लेके चले कि मैक्सिमा अगर मिनिमा के इक्वल ना हो, तो यहाँ पे दो कंडीशंस होंगी, क्या कि या तो आपका स्मॉल एम इक्वल ना हो किसके, फंक्शन ऑफ ए के या फंक्शन ऑफ बी के, या फिर आपका कैपिटल एम यानी कि मैक्सिमा क्या किसके इक्वल ना हो, फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी के इक्वल ना हो। तो यहाँ से बच्चों हम एक टर्म मान लेंगे, क्या कि माना लेट जो हमारा कैपिटल एम है इज नॉट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ बी के, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या लिखा हमने कि अगर हमारा मैक्सिमा और मिनिमा इक्वल नहीं है, तो हम क्या जानते हैं फंक्शन ऑफ ए किसके इक्वल होता है, फंक्शन ऑफ बी के। सो देन आइदर एम और कैपिटल एम नॉट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ए एंड फंक्शन ऑफ बी के, यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है आपका कि या तो आपका मिनिमा इक्वल ना हो फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी के, या फिर आपका मैक्सिमा इक्वल ना हो। तो हमने क्या मान लिया कि हमारा जो मैक्सिमा है वो इक्वल नहीं है किसके, फंक्शन ऑफ ए एंड फंक्शन ऑफ बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। एंड मैक्सिमा क्या लिया था हमने, फंक्शन ऑफ सी टू को माना था मैक्सिमा, फंक्शन ऑफ सी टू को माना था, फंक्शन ऑफ सी वन को क्या माना था हमने, मिनिमा माना था। तो एम की जगह क्या लिख सकते हैं हम, फंक्शन ऑफ सी टू भी किसके इक्वल नहीं होगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में जहाँ पे हमारा जो सी टू है, वेयर सी टू किसको बिलोंग करता है बच्चों, ओपन इंटरवल ए बी को बिलोंग करता है, ठीक है। इसलिए एफ ऑफ सी टू क्या है, जो इक्वल है किसके, एम के, कैसा है वो, इज अ मैक्सिमा, यानी कि फंक्शन ऑफ सी टू क्या है आपका, एम के इक्वल माना था, जो कि क्या है आपका, मैक्सिमा है। उसके आगे का ऊपर से सॉल्व करेंगे, नोट कीजिए जल्दी से। तो यहाँ से ऊपर देखो बच्चों, अगर हमने क्या मान लिया कि फंक्शन ऑफ सी टू को मैक्सिमा मान लिया, यानी कि अगर हम कोई भी फंक्शन एफ एक्स मान ले, अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स मान ले, तो वो आपका क्या होगा, या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा किससे, एफ सी टू से, यानी कि फंक्शन ऑफ सी टू से। क्यों, क्योंकि इसको तो क्या लिख लिया हमने, मैक्सिमा लिख लिया। तो अगर हम कोई भी फंक्शन लेंगे वो या तो इससे छोटा हो सकता है या फिर इसके इक्वल हो सकता है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम तो ये हो गया, तो इससे बड़ा तो होने से रहा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि कोई भी एक फंक्शन एफ एक्स है जो या तो छोटा है या फिर इक्वल है किसके, फंक्शन ऑफ सी टू के, फॉर ऑल जहाँ पे सभी के लिए एक्स किसको बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल ए बी को बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, नाउ फंक्शन ऑफ सी टू प्लस माइनस एच इज लेस देन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ सी टू। देखो ये वाली टर्म कैसे आई, यानी कि अगर आपका फंक्शन ऑफ सी टू से छोटा है कोई भी फंक्शन एक्स, तो फंक्शन जो एक्स है उसको हमने क्या मान लिया, सी टू प्लस माइनस एच, यानी कि सी टू में हम कुछ भी जोड़ ले या फिर कुछ भी घटा ले, ठीक है, वो भी क्या होगा, इससे छोटा या फिर इससे इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या लिया था हमने, मैक्सिमा लिया था। तो अगर हम इससे अलग कोई भी फंक्शन ले, फंक्शन कैसा ले, अगर इसमें से या तो कुछ घटाएं या फिर इसमें कुछ ऐड कर दें, तो वो भी क्या होगा, इससे छोटा होगा या फिर इसके इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है आपका, एफ
एफ ऑफ सी टू प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ सी टू अपॉन में एच इज ग्रेटर देन जीरो। इसके लिए हम ये वाली कंडीशन लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। एंड ये तो किसके लिए हो गई आपकी, माइनस के लिए होगी फंक्शन ऑफ, सॉरी ये तो किसके लिए होगी आपकी, प्लस के लिए होगी। अगर हम इसी में क्या ले लें, माइनस साइन ले लें फंक्शन ऑफ सी टू अपॉन एच, तो आपका ग्रेटर देन का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये लास्ट वाली लाइन रफ कर रही हूं मैं। अब क्या करेंगे, दोनों साइड लिमिट ले लेंगे, इसमें भी एंड इसमें भी, तो लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। एक बार नोट कीजिए, उसके बाद मैं रफ कर रही हूं। तो देखो बच्चों यहां से ऊपर देखो, जब हम इस वाली टर्म में लिमिट पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगी वाली टर्म, लिमिट h टेंड्स टू h है यहाँ पे, तो h के लिए लिमिट लेंगे। h किसको, किस पे टेंड कर रहा है, जीरो पे, फंक्शन ऑफ c2 टू प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ c2 टू अपॉन में h इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे जो आपका f डैश आया c2 की वैल्यू, वो किसके लिए आई आपकी, प्लस के लिए आई, ठीक है। अब किसके लिए निकालेंगे, माइनस वाली टर्म के लिए निकालेंगे, इस वाली टर्म के लिए। तो क्या आ जाएगी आपकी लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ सी टू प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ सी टू अपॉन एच, सो ये किसके लिए थी, माइनस के लिए थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, लेस देन जीरो किसके लिए, जहाँ पे फंक्शन ऑफ सी टू कैसा है आपका, माइनस लिया, ठीक है। यहाँ पे सी टू कैसा है आपका, प्लस का फंक्शन है, एंड यहाँ पे कैसा है आपका, माइनस का है, ठीक है। तो एक बार इसको रफ कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। क्योंकि जो आपका फंक्शन ऑफ एक्स होता है वो डिफरेंशिएबल होता है किसमें, ओपन इंटरवल ए बी में। सबसे स्टार्टिंग में बताई थी मैंने आपको रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट में कि जो फंक्शन ऑफ एक्स होता है वो डिफरेंशिएबल होगा किस पे, ओपन इंटरवल ए बी पे, एंड कंटिन्यूस किस में होगा, क्लोज इंटरवल ए बी में। तो यहाँ पे अभी कंडीशन लिख के चलेंगे डिफरेंशिएबल की, किस में होगा ये आपका, ओपन इंटरवल ए बी में। एंड जो आपका C2 होगा वो भी किसको बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल ए बी को बिलोंग करता है, ठीक है। सो फंक्शन ऑफ x इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू C2, यानी कि जो आपका फंक्शन ऑफ x होगा वो क्या होगा, ऑल्सो डिफरेंशिएबल होगा किस पे, x इज इक्वल्स टू C2 पे भी क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा। इंप्लाइज दैट अगर डिफरेंशिएबल होगा तो एफ ऑफ सी टू प्लस किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों आपका, एफ ऑफ सी टू माइनस के, एंड दोनों टर्म क्या आ जाएंगे आपके, यानी कि एफ डैश सी टू किसके इक्वल आ जाएगा आपका, जीरो के इक्वल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको जो थर्ड मतलब स्टेटमेंट की जो थर्ड लाइन थी रोल्स थ्योरम की, उसमें क्या बताया था कि अगर आपका फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी के इक्वल हो तो वहाँ पे एक वैल्यू ऐसे एग्जिस्ट करेगी जहाँ पे आपका जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, यानी कि फंक्शन ऑफ सी टू का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हो गई आपकी, कॉन्स्टेंट टर्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये वाली कंडीशन थर्ड वाली भी क्या कर दी, प्रूफ कर दी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट होता है रोल्स थ्योरम का, वो हमने दोनों कंडीशंस के लिए प्रूफ कर दिया कि एफ डैश सी किसके इक्वल होता है, जीरो के। फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट केस क्या लेके चले थे हम, कैपिटल एम इज इक्वल्स टू एम, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा अगर इक्वल हो तब। और सेकेंड कंडीशन हम लेके चले थे कि अगर आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या हो, इक्वल ना हो, ठीक है। तो ये तो आ गई आपका प्रूफ नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद में इसका एक एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन का प्रूफ होता है, एंड एक ज्योमेट्रिक का होता है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद में उसको करेंगे हम। देखो बच्चों, उसके बाद में हम करेंगे एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम, ठीक है। ये प्रूफ में आता है आपका नीचे लिखने के लिए, सेकंड थर्ड सेकंड टर्म होती है इसके प्रूफ की। तो इसमें आपको एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन के थ्रू इसका स्टेटमेंट देना है कि क्या होता है। तो देखिए बच्चों, एल्जेब्रिक टर्म में आपका क्या होता है, रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि मान लिया फंक्शन है कोई भी, अभी नॉर्मली समझिए उसके बाद लिखाऊंगी, कि मान लिया एफ एक्स क्या है आपका, कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हमने एफ एक्स किसके इक्वल ले लिया, जीरो के इक्वल ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगी, अगर आपकी कोई भी एक इक्वेशन होती है उसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक है। तो अगर एफ एक्स के कोई भी दो रूट है, ठीक है, एफ एक्स के क्या है, कोई भी दो रूट है, एक वन और एक टू, ठीक है। तो इनके बीच में यहाँ पे कोई भी एक एटलीस्ट एक वैल्यू, इनके बीच में एक वैल्यू कैसी एग्जिस्ट करनी चाहिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो के रूट की, ठीक है।
यानी कि मान लिया कोई भी फंक्शन दे दिया आपको एफ एक्स, ठीक, उस एफ एक्स के आपने रूट निकाल लिए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे रूट निकाल लिए, तो उसके जो दो रूट आए, ठीक है, मान लिया कोई भी दो रूट आ गए इसके आपके फंक्शन के, एंड जब आपने इस फंक्शन का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, आपने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, एंड जब इस डिफरेंशिएशन के भी आपने क्या निकाले, रूट्स निकाले, यानी कि मान लिया आपका कोई भी एक फंक्शन मान लिया 3x² + 2x + 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो, ये क्या आपका कोई भी एक फंक्शन है, इसके आपने रूट्स निकाल ले, अभी मैं बता रही हूँ वैसे जनरली x+3 या फिर x+2, एंड इससे आपके रूट कितने निकल के आ गई, x = -3, x = -2, ये अभी मैंने सॉल्व नहीं किया बच्चों, मैं आपको वैसे ही एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ, कभी इसमें कैलकुलेशन करके मुझे बताने लगो आप, ठीक है, तो इसके दो रूट्स क्या निकल के आ गए, -3 और -2, एंड उसके बाद हमने क्या किया, इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6x + 2, ये वाली आ गई आपकी टर्म, एंड जब आप इसके भी इसके जीरो के ऊपर लग के इसके भी रूट्स निकालोगे, तो सपोज दैट इसके भी दो रूट निकल के आ गए, कितना, 1x = 3 पे और 1x = 2 पे, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि आपके फंक्शन के जो दो रूट्स होंगे वो उनके बीच में जितने भी टर्म्स होंगे, यानी -3 और -2 के जो बीच में टर्म्स होंगी, और जो आपका डिफरेंशिएशन फंक्शन के जो आप रूट्स निकालोगे, तो इन रूट्स की वैल्यू जो डिफरेंशिएशन करके रूट निकालोगे ना आप, ये कहाँ एग्जिस्ट करने चाहिए, इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करने चाहिए, आगे बात समझ में, जो आप डिफरेंशिएशन करके रूट्स निकालोगे वो रूट कहाँ एग्जिस्ट करने चाहिए, जो आपका फंक्शन है उसके रूट्स के बीच में, इनकी किसी भी कोई भी एक वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करनी चाहिए, इनके बीच में एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये क्या कहता है आपका, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रॉलेस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है, ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया होगा, इसको मैं रफ करती हूँ, उसके बाद आपको नोट कराऊंगी, तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, इज अ फंक्शन, इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन एंड B आर टू रूट्स किसके, ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे, यानी कि एक फंक्शन मान लिया एफ एक्स, तो इसके टू रूट्स निकाल लिए, क्या, एक तो A एंड एक B, किस पे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे, देन देयर एग्जिस्ट, तब वहां पे क्या एग्जिस्ट करेगा, एट लीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो किसके बीच में, बिटवीन ए एंड बी, ये क्या होता है आपका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो भी मैंने आपको समझाया कि माना अगर आपका एफ एक्स क्या है, कोई भी एक फंक्शन है, एंड ए और बी क्या है, इस फंक्शन के दो रूट्स हैं, किस पे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो से निकाल लेंगे, तो इस फंक्शन के दो रूट्स क्या निकल के आए, एक तो ए एंड एक बी, तो देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट वन रूट, एक रूट कम से कम, एक रूट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ऑफ एफ डैश एक्स, यानी कि आपका जो फंक्शन है इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे और उसके जब रूट्स निकालोगे, तो वो उसके जो रूट्स हैं उनमें से कम कोई भी एक रूट कहाँ पे आपका एग्जिस्ट करेगा, ए एंड बी के बीच में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इन रूट्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद में इसका एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, वो करते हैं, उसके बाद में ये खत्म हो जाएगी आपकी, नोट कीजिए। देखो बच्चों, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की पहले डेफिनेशन लिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको ग्राफ के थ्रू आपको समझाऊंगी कि क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रॉलेस थ्योरम is that the curve representing the graph of the function f such that sorry f
मस्ट हैव ए टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट लीस्ट एट 1 point between A and B. ठीक है, देखो इसमें कहा क्या है इन्होंने, तो यहाँ पे साइड में ग्राफ बना रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग समझना. इन्होंने क्या कहा है कि रोलेंस थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है बच्चों, द कर्व रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ. मान लिया हमने कोई भी एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, उस पर एक कर्व ड्रॉ किया, तो जो आपका कर्व होगा किसका, ग्राफ का, ऑफ द फंक्शन एफ, किसी भी फंक्शन एफ का, मस्ट हैव क्या रखेगा, अ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, एटलीस्ट एट 1 point बिटवीन ए एंड बी. यानी कि जब हम इस पे एक कर्व ड्रॉ करेंगे, मान लिया हमने सपोज दैट ये कर्व ड्रॉ किया आपका, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से, ये हमने यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर दिया. यहाँ पे हमने क्या मान लिया, x इज इक्वल्स टू ए, एंड यहाँ पे कितना मान लिया बच्चों, x इज इक्वल्स टू बी मान लिया, ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम किसी भी फंक्शन, किसका, फंक्शन ऑफ ए का क्या करते हैं, कर्व ड्रॉ कर, मतलब किसी भी फंक्शन का कर्व ड्रॉ करते हैं, तो उस पे जो आपका टेंजेंट होगा, टेंजेंट अगर हम खींचेंगे तो देखो यहाँ पे कि यहीं पे भी अगर इस कर्व पे हम टेंजेंट खींचेंगे तो वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए एक्स एक्सिस के. एक्स एक्सिस कौन सी आपकी, ये वाली, इसके पैरेलल आप कहाँ कहाँ पे खींच सकते हो, एक तो यहाँ पे खींच सकते हो टेंजेंट, एंड एक टेंजेंट आप कहाँ खींच सकते हो, यहाँ पे, सिर्फ ओनली यही दो टेंजेंट होंगे जो आपके क्या होंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे. यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया सी, ठीक है, तो आपका ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, बिटवीन होगा किसके, ए एंड बी के. तो आप देख सकते हो x इज इक्वल्स टू ए हमने यहाँ लिया एंड x इज इक्वल्स टू बी लिया, तो ये जो आपका पॉइंट होगा C, ये कहाँ होगा आपका, x इज इक्वल्स टू ए या फिर B के बीच में होगा, ठीक है. यानी कि क्या कहता है आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कि अगर आप किसी भी फंक्शन का कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हो एंड उस पर आप उस फंक्शन का कर्व ड्रॉ करते हो, तो उसका जो टेंजेंट होगा, जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है. और जो वो पॉइंट होगा वहां पे कम से कम एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा जो आपका क्या होगा, ए और बी के बीच में होगा, ठीक है. तो ये क्या होगा, इसका ग्राफ हो जाएगा एंड ये इसकी थ्योरी हो जाएगी. इसको नोट कीजिए, और यहाँ पे आपकी जो रोलेंस थ्योरम है वो आपकी स्टेटमेंट भी मैंने करा दिया एंड क्या करा दिया, उसका प्रूफ भी मैंने आपको अच्छे से करा दिया. एक बार रिकॉल कर देती हूँ मैं, स्टेटमेंट क्या था आपका, कि अगर एफ एक्स क्या है आपका, कोई भी एक फंक्शन है, तो आपका जो एफ एक्स है वो आपका कंटिन्यूअस होगा किस पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे, एंड वो आपका डिफरेंशिएबल होगा किस पे, ओपन इंटरवल ए बी पे. एंड अगर आपका फंक्शन ऑफ ए किसके इक्वल हो, फंक्शन ऑफ बी के इक्वल हो, तो वहाँ पे कम से कम एक पॉइंट, मतलब एक्स की एक वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करेगी जो मान लिया सी है, कि उसका जो डिफरेंशिएशन करोगे वो कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है. ये आपका रोलेंस थ्योरम का स्टेटमेंट था, एंड कल हम इसके ऊपर जो एक्सरसाइज के इसके क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे. तो बच्चों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना. आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद.